सज्जन की है यही पुकार बार बार और लगातार। जन जन की है यही पुकार बार बार और लगातार। देश को साफ करो दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो जल लोकपाल। लोकपाल लोकपाल पास करो जल लोकपाल। अन्ना हजारे साहब के नेतृत्व में देश की जनता ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून लाने के लिए। लेकिन ये जन लोकपाल कानून आखिर है क्या? इस कानून में ऐसा क्या है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? आइए जानते हैं। देश को साफ करो दूर करो भ्रष्टाचार। जन लोकपाल कानून बनेगा तो केंद्र के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा जन लोकपाल। इसी तरह से हर एक राज्य में स्वतंत्र संस्थाएं गठित की जाएंगी जिन्हें कहा जाएगा जन लोकायुक्त। ये जो संस्थाएं हैं ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब की सब किसी न किसी रूप में सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकार के अधीन काम करती हैं। जैसे CBI है, CVC है, विजिलेंस विभाग है, एंटी करप्शन है, ये सब के सब सरकार के अधीन हैं, उनके नियंत्रण में काम करते हैं। यानी कि जो चोर है वही पुलिस का मालिक बनकर बैठा हुआ है। जन लोकपाल कानून बनने के बाद जब जन लोकपाल और जन लोकायुक्त संस्थाएं बनेंगी तो ये सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होंगी। जन लोकपाल में 10 सदस्य होंगे और एक इनका चेयरपर्सन होगा। इसी तरह से जन लोकायुक्त में 10 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। अब ये देखते हैं कि ये जन लोकपाल और जन लोकायुक्त काम क्या करेंगे। जन लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा और उन पर एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें लेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। देश को बनाने में एक दूसरे के साथ चले। देश भर में पंचायत से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह हम भ्रष्टाचार देखते हैं। मिड डे मील में भ्रष्टाचार है, नरेगा में भ्रष्टाचार है, राशन में भ्रष्टाचार है, सड़क के बनने में भ्रष्टाचार है, उधर 2G स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार है, कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार है, आदर्श स्कैम है, मंत्रियों का भ्रष्टाचार है और यहाँ पे सरपंच का भ्रष्टाचार है। इस कानून के तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है लोकपाल में या लोकायुक्त में जाकर तो उस शिकायत के ऊपर जाँच 6 महीने से 1 साल तक के अंदर पूरी करनी पड़ेगी लोकपाल को। अगर शिकायत की जांच करने के लिए लोकपाल के पास कर्मचारियों की कमी है तो लोकपाल को ये छूट दी गई है कि वो जांच 1 साल में पूरी करने के लिए अगर उसे ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा कर्मचारियों को लगा सकता है, लेकिन जांच को 1 साल के अंदर उसे पूरा करना चाहिए। तो जांच के बाद लोकपाल 2 तरह की कार्रवाई करेगा। पहला तो ये कि उसके पास पावर होगी कि जो दोषी अधिकारी है उसको वो नौकरी से निकाल सकता है। तो जांच के दौरान जिस तरह के भी सबूत मिलेंगे, जिस तरह भी गवाहों से बात होगी उनकी सुनवाई करते हुए और खुद आरोपी अफसर की सुनवाई करते हुए वो एक्शन लेगा कि दोषी अधिकारी को नौकरी से निकालना है या उसको प्रमोशन रोकना है या उसके ऊपर कोई पेनल्टी और लगानी है। पहला एक्शन तो ये होगा। दूसरा एक्शन ये होगा कि जाँच के दौरान जो भी सबूत मिलेंगे उनको आधार बनाते हुए ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि जो भी लोग दोषी हैं उनको जेल भेजने का एक्शन शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से 2 चीज़ें हो गई। पहली तो ये कि जो दोषी अधिकारी है उसको नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और दूसरी ये कि जो भी दोषी लोग हैं वो चाहे अधिकारी हो या कोई और व्यक्ति हो उन सबको जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जन जन की है यही पुकार बार बार और लगातार। आज हमारे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में भ्रष्टाचार के लिए कम से कम 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। हमारा ये कहना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि पूरी जिंदगी का आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए। देश को साफ करो दूर करो अब भ्रष्टाचार। आज हमारे देश की भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी से अगर पैसा कमाता है या सरकार को चूना लगाता है तो उससे उस पैसे को वसूल किया जाए। अब जैसे ए राजा को देखिए,
कहा जाता है कि उसने 3,000 करोड़ रुपए रिश्वत में खाए। उसने देश को 2,00,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। क्या ये पैसा उससे वसूला जाएगा? नहीं। हमारे कानूनों के मुताबिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा हो सकती है और 7 साल के बाद वो आराम से घर बैठेगा और सारा पैसा उसका। हमने इस कानून में प्रावधान किया है जितना उसने सरकार को चूना लगाया भ्रष्ट अफसर ने और भ्रष्ट नेता ने, सजा सुनाते वक्त ये जज की जिम्मेदारी होगी कि वो सारा का सारा पैसा उससे रिकवर करने के लिए, उससे वापस लेने के लिए आदेश किए जाएं और उससे रिकवर किया जाए। अगर लोकपाल को ये लगता है कि इसके खिलाफ सबूत सख्त हैं, इसके खिलाफ सबूत पुख्ता नजर आ रहे हैं, तो जांच के दौरान लोकपाल जो भ्रष्टाचारी अफसर या भ्रष्टाचारी नेता है उनके सारे एसेट्स, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद की लिस्ट बनाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भ्रष्ट व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही उसको ये पता चले वो अपनी सारी की सारी संपत्ति ट्रांसफ़र करके और वो रिकवरी उसकी हो ही ना पाए, जो सरकार को उसने चूना लगाया उसकी रिकवरी ना हो पाए। तो ये उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी ताकि वो भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो उनको ट्रांसफर ना कर सके। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि हर अफसर को और हर नेता को हर साल के शुरुआत में अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, और अगर बाद में ऐसी कोई संपत्ति मिलती है जिसका ब्यौरा उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला तो ये मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की है और उस संपत्ति को जब्त करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो ये तो हुई बात बड़े बड़े भ्रष्टाचार की, बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों की। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूं तो रोज भ्रष्टाचार झेलता हूं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत दिए नहीं बनता, मेरा वोटर कार्ड पैसा लेकर बनता है। मैं अगर गांव में रहता हूं तो मुझसे जॉब कार्ड तक के पैसे मांगे जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन लेनी हो, विधवा पेंशन लेनी हो, सब में रिश्वत मांगी जाती है। अगर जन लोकपाल कानून आता है तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे इससे निजात मिलेगी? एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, उसका राशन कार्ड बनवाना है, उसे पासपोर्ट बनवाना है, उसे विधवा पेंशन लेनी है, उससे रिश्वत मांगी जाती है, और अगर वो रिश्वत नहीं देता तो उसका काम नहीं किया जाता। जन लोकपाल बिल के अंदर ऐसे लोगों के को भी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इस कानून के मुताबिक हर विभाग को एक सिटीजन्स चार्टर बनाना पड़ेगा। उस सिटीजन्स चार्टर में ये लिखना पड़ेगा कि वो विभाग वो वाला काम कितने दिन में करेंगे, कौन ऑफिसर करेगा, राशन कार्ड कौन ऑफिसर बनाएगा कितने दिन में बनाएगा, विधवा पेंशन कौन ऑफिसर बनाएगा कितने दिन में बनाएगा, इसकी लिस्ट हर विभाग को जारी करनी पड़ेगी। कोई भी नागरिक अगर उसको कोई काम करवाना है तो वो नागरिक उस विभाग में उस अफसर के पास जाएगा अपना काम कराने के लिए। अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम नहीं करता तो फिर ये नागरिक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को शिकायत करेगा। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को जन शिकायत अधिकारी नोटिफाई किया जाएगा। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि वो अगले 30 दिन के अंदर उस काम को करवाए। अगर वो भी ये काम नहीं कराता तो ये नागरिक लोकपाल में जाके या लोकायुक्त में जाके शिकायत करेगा। लोकपाल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। तो नागरिक अपने इलाके के विजिलेंस ऑफिसर के पास जाके शिकायत करेगा। विजिलेंस ऑफिसर के पास जब शिकायत जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और उस ऑफिसर ने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में ये काम नहीं किया, ये मान लिया जाएगा। तो उस विजिलेंस ऑफिसर को 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो इसका काम 30 दिन में करवाना पड़ेगा, दूसरा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर और इस अफसर के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे जो उनकी तनख्वाह से काट के इस नागरिक को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, और तीसरा ये कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामला शुरू किया जाएगा, तहकीकात शुरू की जाएगी और भ्रष्टाचार की कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ
की जाएगी। तो जन लोकपाल कानून आने के बाद सरकारी अधिकारियों को अपना काम सही समय पर करना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि किसी सरकारी दफ्तर में अगर काम ना होने से आम आदमी परेशान रहता है, उस विभाग के मुखिया को अगर 3-4 पेनल्टी भी लग गई या उसके खिलाफ 3-4 भ्रष्टाचार के मामले भी शुरू हो गए, तो ये विश्वास है हमको कि वो अपने सारे के सारे कर्मचारियों को बुला के कहेगा कि अब आपको अपना काम सही करना है, सही समय पे करना है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो जन लोकपाल होगा या जन लोकायुक्त होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये वाकई बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे जा रहे हैं कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की जो नियुक्ति होगी वहां पर कोई भ्रष्ट व्यक्ति ना पहुंच सके, कोई भ्रष्ट व्यक्ति जन लोकपाल या जन लोकायुक्त ना बन सके। इसके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है कानून में वो बहुत ही पारदर्शी और जन भागीदारी वाली रखी गई है। देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, 2 सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी जो उसे सर्च कमेटी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सबसे पहले पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे जो दागी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। ये 5 सदस्य बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों जैसे संपादकों से, वाइस चांसलर से, जिनको वो ठीक समझे उनसे सुझाव मांगेगी। इनसे मिले नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएंगे जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें आम राय से रिक्त पदों की 3 गुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। ये सूची चयन समिति को भेजी जाएगी जो लोकपाल के लिए सदस्यों का चयन करेगी। सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। मेरा देश, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। हमने देखा कि लोकपाल के चयन को पूरी तरह से पारदर्शी और जनता की भागीदारी से किया जा रहा है। अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो उसको निकालने की कार्रवाई भी बहुत सिंपल है। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेगा, सुप्रीम कोर्ट को हर शिकायत को सुनना पड़ेगा। पहली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पहली नज़र में मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट एक जांच बिठाएगा। 3 महीने में जांच पूरी होनी होगी और अगर जांच में कुछ सबूत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर को निकालने के लिए राष्ट्रपति को लिखेगा और राष्ट्रपति को उस मेंबर को या चेयरमैन को निकालना पड़ेगा। अगर लोकपाल या लोकायुक्त के किसी स्टाफ के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस शिकायत को लोकपाल में किया जाएगा और उसके ऊपर 1 महीने में जांच पूरी होगी। और अगर जांच के दौरान उस स्टाफ मेंबर के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उस मेंबर, उस स्टाफ को बिल्कुल अगले 1 महीने में नौकरी से सीधे निकाल दिया जाएगा ताकि वो जांच को बेईमानी से ना करे। लोकपाल के अंदर की जो प्रक्रिया है, कामकाज की प्रक्रिया, उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसमें लिखा गया है। जब जांच चल रही होगी तब जांच से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी पारदर्शी होने चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जांच को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं, तो जब तक जांच चल रही है तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना दिखाए जा सकें, लेकिन जांच पूरी होने के बाद किसी भी केस में सारे डॉक्यूमेंट्स उस जांच से रिलेटेड वेबसाइट पे डालने जरूरी होंगे लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, ताकि जनता ये देख सके कि इस जांच में हेरा फेरी तो नहीं हुई कभी। दूसरी चीज, हर महीने लोकपाल को या लोकायुक्त को अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा कि किस किस की शिकायतें आई, किस किस के खिलाफ आई,
मोटे मोटे तौर पे शिकायत क्या थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कितनी पेंडिंग है, कितनी बंद कर दी गई, कितनों में मुकदमे दायर किए गए और कितनों में नौकरी से निकाला गया या क्या सजा दी गई, ये सारी बातें लोकपाल की या लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। कई बार देखने में आया कि जो जांच एजेंसी होती हैं, जब वहां पर शिकायत की जाए तो उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती और सेटिंग करके जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जांच को बंद कर देता है और जो शिकायत करता है उसे कुछ भी नहीं बताया जाता कि जांच का क्या हुआ। इसीलिए यहाँ पे कानून में ये प्रावधान डाला गया है कि किसी भी जांच को बिना शिकायतकर्ता को बताए बंद नहीं किया जाएगा। हर जांच को बंद करने के पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की जाएगी और अगर जांच बंद की जाती है तो उस जांच से संबंधित सारे कागजात खुले पब्लिक में डाल दिए जाएंगे ताकि सब लोग देख सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं हुई। जो है रास्ता भूल गए उनके दिल को साफ करें, जो है रास्ता। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में अब भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि फला फला जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फला फला जज ने फला मामले में फैसला रिश्वत खाकर दिया है, ये सब हम सुनते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, जजेस के भ्रष्टाचार की जांच करने और दोषी जजेस पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। अभी आज प्रावधान ये है कि अगर किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज करनी है भ्रष्टाचार की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हमने इस कानून में ये लिखा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब जब चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी गई तब तब उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ परमिशन देने से मना कर दिया। तो अब ये परमिशन जो है वो लोकपाल का 7-member बेंच देगा और वो खुले में इसकी सुनवाई की जाएगी ताकि सब पूरी दुनिया के सामने पता चल सके कि परमिशन ठीक दी गई या गलत दी गई। प्यार और मोहब्बत से आओ अपनी बात कहें, प्यार और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपकी जान को खतरा होता है, लोगों को मार डाला जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लोकपाल के पास ये पावर होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने का काम लोकपाल का होगा। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। भारत की है यही पुकार बार बार और लगातार, देश मेरी जान। हमारे देश में सरकार ने ढेरों जांच एजेंसीज बना दी हैं, CVC, CBI, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्रांच, स्टेट विजिलेंस ब्रांच। हर एजेंसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी गई है कि वो एजेंसी जो है वो बेकार हो गई है। और ये सारी की सारी एजेंसीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी एजेंसीज सरकार के अंडर में आती हैं, उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिन्होंने चोरी कर रखी है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिनके खिलाफ इन जांच एजेंसीज को जांच करनी है। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये जांच एजेंसीज अपना काम नहीं कर पाती। हमारा ये कहना है कि इन सारी जांच एजेंसीज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा देश इनके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारी जांच एजेंसीज को केंद्र स्तर पे मर्ज करके लोकपाल के अंडर में लाया जाए और राज्य स्तर पे मर्ज करके इनको लोकायुक्त के अंडर में लाया जाए। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। जन लोकपाल कानून का बनना हमारे देश में भ्रष्टाचार को दूर करने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन कुछ लोग इस कानून को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने लगे हैं। कुछ लोगों के सवाल जायज हो सकते हैं, उनके सवालों का जवाब देना, उनकी भ्रांतियों को दूर करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन कुछ लोग इस कानून को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि उनकी मंशा इस कानून को बदनाम करने की है।
उनकी मंशा है कि देश में जब जन लोकपाल कानून लागू हो तो वो बेहद कमजोर कानून हो। तो अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून चाहिए तो जरूरी हो जाता है कि देश का हर आदमी इस कानून को समझे और दूसरों को समझाए और इस तरह से इस कानून के फेवर में एक बड़ा जनमत तैयार करें। कुछ भ्रांतियां जो इस कानून के बारे में फैलाई जा रही हैं, उनमें से एक है प्रधानमंत्री को जन लोकपाल कानून से बाहर रखा जाए, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की पावर जन लोकपाल के पास ना हो। कहा जा रहा है कि अगर जन लोकपाल प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करेगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच करेगा तो इससे जनतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। साथियों, मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमारे देश में कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो इससे बड़ा भारत के लिए धब्बा कोई नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई करता है तो मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा पे चार चांद लगेंगे, लेकिन अगर उसके भ्रष्टाचार को भारत सहन करता है तो मुझे लगता है कि उस भारत की बदनामी चारों तरफ होगी। दूसरी बात, एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए सबसे बड़ा, हमारे जनतंत्र के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए भ्रष्ट प्रधानमंत्री सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उसके भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो भ्रष्ट प्रधानमंत्री को के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच ना हो, यह सबसे बड़ा खतरा है कि भ्रष्टाचार को पकड़ के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यह ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की अधिकार लोकपाल को दिया जाए या ना दिया जाए। जन-जन की है यही पुकार, बार-बार और लगातार। प्रधानमंत्री की तरह ही न्यायपालिका के मामले में भी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर जन लोकपाल जजेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करेगा तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचेगा। कई लोगों का ये मानना है कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ FIR दर्ज करने की पावर लोकपाल को ना दी जाए। आज का जो सिस्टम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भ्रष्ट जजों के खिलाफ FIR दर्ज करने की परमिशन देते हैं, यही सिस्टम चालू रखा जाए। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिस्टम आज जो चल रहा है वो ठीक है? क्या इससे जुडिशरी, न्याय व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है आज के सिस्टम से, या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? भ्रष्ट जजों के खिलाफ FIR दर्ज करने की पावर और उनके खिलाफ जांच करने की पावर क्या लोकपाल को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, देश को। कई लोगों का ये मानना है कि आम आदमी की शिकायत, अगर एक आम आदमी दफ्तर में जाता है और उसका राशन कार्ड नहीं बनवाया जाता, उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता, उसकी विधवा पेंशन नहीं दी जाती, उससे रिश्वत मांगी जाती है, ऐसी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करने की पावर लोकपाल के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कई लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की शिकायतों को लोकपाल के दायरे में लाया गया तो ऐसी लाखों शिकायतें लोकपाल में आ जाएंगी और लोकपाल की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथियों, हमारा ये मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने जो व्यवस्था लोकपाल कानून के अंदर की है वो ये है कि पहले उस विभाग का एक अधिकारी काम करेगा, अगर वो काम नहीं करता तो वो शिकायत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो भी काम नहीं करता तो लोकपाल के विजिलेंस ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो इन दोनों अफसरों की तनख्वाह काटे और वो आपको मुआवजे के रूप में दे और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर करे। अगर तीन मुकदमे भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर हो गए तो हमें लगता है कि इनकी जवाबदेही तय होगी, जो आज तक आजादी के बाद इनकी एक भी केस में जवाबदेही तय नहीं हुई है। अगर दिन ब दिन इनकी जवाबदेही तय होनी चालू हो गई तो पूरा का पूरा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो हमारा तो ये मानना है कि लाखों शिकायतें आने के बजाय शिकायतें आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए लाखों शिकायतें आ भी जाती हैं, तब भी पूरी लोकपाल की व्यवस्था नहीं चरमराएगी। एक डिस्ट्रिक्ट का एक विजिलेंस ऑफिसर हो सकता है उसके पास लाखों शिकायतें आ जाएं। तो हमने लोकपाल को ये पावर दी है कि अगर कहीं पर उसे ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात कर सकता है, 4, 5, 6, 10 नए अफसर लगा सकता है ताकि जनता की शिकायतों का जल्दी से निपटारा किया जा सके। आज 62 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम ये कहें
कि हम लोगों की लाखों शिकायतों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, उनका निपटारा नहीं कर सकते, तो हमें ये लगता है कि जनता इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेगी। जो लाखों की संख्या में इस जनता इस आंदोलन के साथ जुड़ी है, वो अपनी समस्याओं के निवारण की उम्मीद को लेकर जुड़ी है कि जो दिन ब दिन वो जब जनता जाती है और उनको गालियां सुनने को मिलती है, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, इसका भी निवारण जन लोकपाल बिल के अंदर होगा। तो हमें ये लगता है कि अगर जनता की लाखों शिकायतें हैं तो उसके लिए अगर हजारों ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़े तो वो जनता सरकार को करनी चाहिए, उसको अब दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको ये बताना होगा कि क्या जनता की शिकायतों को जन लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि लोकपाल केवल बड़े बड़े मामलों की जांच करें, 2G स्पेक्ट्रम की जांच करें, कॉमनवेल्थ खेलों की जांच करें, वो आम आदमी के राशन पानी की बात ना करें, वो पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की बात ना करें, वो आपके घर के सामने की सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार की बात ना करें। आप क्या चाहते हैं? क्या आप ऐसा लोकपाल चाहते हैं, या आप ऐसा लोकपाल चाहते हैं जिस जो छोटा भ्रष्टाचार हो या बड़ा भ्रष्टाचार हो, हर तरह के भ्रष्टाचार की बात करें? उनका लोगों का ये कहना है कि हर तरह के भ्रष्टाचार की बात अगर लोकपाल करेगा तो इसकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमें ऐसा नहीं लगता, हमने इसके बारे में कैलकुलेशन किए हैं और हमारा ये मानना है कि अगर शुरू में ज़्यादा अफसरों की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा अफसरों को लोकपाल में तैनात करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 2-3 साल के अंदर आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी और उसके बाद आपको कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जन लोकपाल के अंदर भ्रष्टाचार के केसेस अपने आप कम होने चालू हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि आप CBI को, CVC को, डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, इन सारी एजेंसीज को एक साथ इसके अंदर क्यों मर्ज कर रहे हैं? CBI को रहने दीजिए, काम करने दीजिए, CVC को काम करने दीजिए। आप अगर लोकपाल के लिए आप अलग से अफसरों की तैनाती कर दीजिए। तो साथियों, हमारी दो बातें हैं। ये कुछ लोगों का कहना है कि CBI आखिर इतनी बुरी भी तो नहीं है, CVC आखिर इतना बुरा भी तो नहीं है। हमें ये बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये अचानक CBI इतनी अच्छी कब से लगने लगी? एक भी केस CBI ने ऐसा किया हो जो बिना कोर्ट की मॉनिटरिंग के उन्होंने ठीक ठाक किया हो। CBI सीधे सीधे भ्रष्ट चोरों और डाकुओं के अंडर में काम करती है और हम ये उम्मीद करें CBI से कि वो चोरों और डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेगी? ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो ये CBI को, CBI के अंदर हम पैसा फूंकते रहें, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देते रहें और CBI बैठ के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रहे, क्या हमें ऐसे CBI की ज़रूरत है? क्या हमें ऐसे CVC की ज़रूरत है? क्या हमें ऐसे डिपार्टमेंटल विजिलेंस की ज़रूरत है? तो एक तरफ तो हम इन एजेंसीज को भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए काम करने की छूट दे दें और दूसरी तरफ कहें कि लोकपाल को और कर्मचारी दे दो और नई पोस्ट क्रिएट कर दो। हमें ये लगता है कि ये बेमानी बात है। जो एजेंसीज आज काम नहीं कर रही हैं उनको बंद करके उनके सारे कर्मचारियों को काम करने के लिए लोकपाल में डाला जाए। जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, जो ठीक से ना काम करे उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, जो काम करे उनको लोकपाल के अंडर में नियुक्त कर दिया जाए। तो ये है मेरा और आपका जन लोकपाल कानून। जंतर मंतर से अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि कुछ और लोगों को लाल बत्ती की गाड़ियां दे दी जाएं, AC दफ्तर दे दी जाएं। ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इसलिए कि आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके, बड़े से बड़े अधिकारी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जज हो या कोई और सरकारी कर्मचारी, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल जाना पड़े, उसको सजा मिले। इसलिए जन लोकपाल चाहिए। आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार, देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार, देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल, लोकपाल, पास करो जन लोकपाल।